पर देना था ब्लॉग। तो यार थंबनेल टाइटल देख लिया है, पता चल गया क्या करने वाले हैं। नन्हे फूल तुम लोग हैं नहीं यार, तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई देखो पैसे पर पैसे खर्च कर ही जा रहा है। तुम लोगों को भी हक बनता है लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं, ब्लॉग तो आगे दिखाई देंगे, फटाफट तुम्हें वॉच दिखाते हैं। चल गया तो ये एस जो सीरीज 7 है ये उसका है, तो फटाफट तो चलते हैं उसकी ओपनिंग के ऊपर। तो यार अभी बस में सो के उठा हूँ, वॉइस ओवर कर रहा हूँ, ठीक है, तो आवाज़ थोड़ी सी इग्नोर करना, भारी हो रही होगी आवाज़। तो अभी इसका बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स को खोलते हैं। तो फिर ये इसके अंदर ये इसकी इंस्ट्रक्शन होती है जो हर वॉच के अंदर आती है। ये इंस्ट्रक्शन है इसकी स्मार्ट वॉच की सारी, तो इसको हम लोग देखते हैं। चाइनीज लिखी हुई है भाई इसके अंदर, तो इसको हटाते हैं हम लोग, ठीक है। अभी अपन लोग चलते हैं वॉच की तरफ। वॉच काफ़ी क्लासिक, अगर इसकी लुक की बात करें तो लुक तो बड़ी काफ़ी वीआईपी आ रही है वॉच की। तो इसके पट्टे तुम लोग देख सकते हो, जो इसकी स्ट्रिप्स होते हैं ना, जो इसके स्ट्रिप्स होते हैं वो तुम लोग देख चुके हो यार। अभी थोड़ा बाहर आया हूँ सहन की तरफ, तो थोड़ा और सही से बोल पाऊँगा, वरना बैठा हुआ था बेड पर। तो अभी इसको तुम लोग देख सकते हो, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आती है वॉच, ठीक है। ये तो ये हमने कोई स्पॉन्सर नहीं करी, ये बस हम लोगों ने बाय करी। वैसे जिससे बाय करी है वो भी वही दोस्त है मेरा, जिससे मैंने पहली वाली वीडियो में वॉच ली थी, तो ये भी उसी से लिया हमने। अगर ये भी तुम लोग लेना चाहते हो तो ये भी तुम्हें मैं उसका व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, तुम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो उससे। तो ये इसकी शेप चेक करो, कितनी क्लासिकल है, स्मूथ एकदम। और जो पीछे तुम लोग तो डॉट देख रहे हो चार्जिंग के थे, बाकी ये पता नहीं क्या चीज़ है, मुझे समझ नहीं आई इसकी, कोई कड़क सी चीज़ थी कोई। तो ये इसका चार्जर है, काफ़ी अलग टाइप का चार्जर है इसका। ये तो यूएसबी है जो सादी वाली होती है, ये मैग्नेट लगे हुए हैं इसके अंदर ही, तो मैं लगा के दिखाता हूँ मैं, एक मिनट रुको। ये ऐसे, ये ऐसे मतलब मैग्नेट है, चिपक जाता है इसके ऊपर, तो मैं साइड एंगल से भी दिखाता हूँ, मैं रुको टेढ़ा करके ना फिर दिखाता हूँ। ये देखो तो ये इसके ऊपर चिपक जाता है, बाकी एक इसके अंदर प्रोटेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। हेलो, प्रोटेक्टर चिपक गया था यार, उल्टा करके रखा हुआ था ना, उस प्लास्टिक के अंदर ही रह गया प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर हमारा वेस्ट हो चुका है, लेकिन हमें ज़रूरत भी नहीं है, नया छुड़वा लेंगे प्रोटेक्टर। बाकी यही थी यहाँ तक की अनबॉक्सिंग, ठीक है। तो उसको अब वापसी पैक कर देंगे हम लोग, तो उसको अब डालते हैं साइड पर और अपना आते हैं ब्लॉक पर हम लोग। कल हम लोग जो है फारिक होकर लाना है घर से, अपने घर पे आ गए थे, ठीक है। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 9:30 बज रहा है, अभी लोगों को हमारा पास सो के उठा है, मुँह भी धोया गया है, अब डायरेक्ट उठाऊँ तो उसके बाद अपना आया हूँ गाड़ी की तरफ। गाड़ी हमारी बिल्कुल ख़राब हुई हुई थी, तो अभी थोड़ी सेट हो चुकी है, ठीक है। ये कपड़ा सब लगाया इसके ऊपर, अभी इसका सिलेंसर भी टूटा हुआ, ये भी वेल्ड वेल्ड कराना है। और बाकी अंदर जो काम हुआ है वो तीलियों का हुआ है, तीलियाँ डलियाँ नहीं, तो ये बनवाई है थोड़ी खुद, तो इसको थोड़ा बहुत और सेट कराएंगे अभी हम लोग। अभी ज़रा थोड़ी सेटिंग बन जाए, थोड़ा टाइम मिले तो फिर इसको भी सेट हम करा लेंगे, कई ग्राउंड मारते हैं अपन लोग चल के फटाफट से। अभी काफ़ी हद तक जो है बाइक हमारी सेट हो चुकी है, बस इसके अंदर थोड़ा बहुत काम रहता है। घर में ज़रा दूध वगैरह लेने के लिए निकला था, बाइक हमारी काफ़ी सेट हो चुकी है, बस सिलेंसर उसका जो ब्रेक हुआ हुआ है, जो फटा हुआ है सिलेंसर, वो हम लोगों ने वेल्ड कराना पड़ेगा। तो अभी मैं ऐसे ग्राउंड मारने के निकला, इसका दुकान देखी मैंने बंद पड़ी हुई हो, तो दूध वगैरह हम लोग घर की तरफ से ही ले लेंगे। अरे यार डकैत लग रहे हैं मेरे को, तो अपन लोग अभी चलते हैं फटाफट से घर, घर पे मिलता हूँ हम लोग को, बाइक तो थोड़ी बहुत सेट हो गई यार। 6.5 hours later. तो यार अभी जो है ना, तुम लोगों ने सारे जो है फुटेज देख लिया हमारी, जो हम लोगों ने रिव्यू दिया और सारा कुछ तुम लोग देख चुके हो, ठीक है। अभी हम लोग जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने, तो फटाफट से निकलते हैं। Years later. अभी पढ़ लिया हम लोग, ठीक है, अभी जाते हैं घर पे, घर पे मिलते हैं तुम लोगों को। जो हमारी अम्मा ने हमें काम बोला है, शाम का टाइम हो गया, ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जाना है, ये पैसे सेंड करवाने हैं इस नंबर के ऊपर, तो फटाफट चलते हैं, पैसे सेंड करते हैं, उसके बाद देखते हैं भाई क्या सीन आ गया हमारा। तो यार डेली व्लॉगिंग जो चैन है ना, वो हम लोगों ने तोड़नी नहीं है, हम कोशिश करेंगे डेली पे डेली व्लॉग डालते रहें। तो अभी जो है ना टाइम ज़्यादा हो रहा था, तकरीबन 1 घंटा रह गया मेरे पुराना वाले व्लॉग को 24 घंटे में होने में। मैंने इस वैसे बोला कि यार अपन लोग व्लॉग अपलोड करते हैं, मैंने भाई को भेज दिया पैसे सेंड कराने के लिए,
अभी अपन लोग ब्लॉग को थोड़ा एंड करते हैं और उसको अपलोड पे लगाते हैं, क्योंकि जो उससे पहले वाला ब्लॉग है उसके ऊपर व्यू काफ़ी अच्छे आ चुके हैं, तो फटाफट चलते हैं हम लोग ब्लॉग अपलोड करते हैं। कुछ इस तरीके गए हम लोगों ने, तुम लोगों ने मेरी बाइक देखी होगी, बाइक काफ़ी सेट हो चुकी है हमारी, तो अभी हम लोगों ने सोचा कि हम लोग उस बाइक को थोड़ा और सेट करा लें। तो यार जब भी मैं ब्लॉग बनाने के आता हूँ ना, ये लोग ज़रूर आए थे, पुराने जूते कपड़े पे भाई नहीं देने हम लोग। सर में दर्द नहीं करते लोग? हाँ ये बहुत सर में दर्द करते हैं, रोज आते हैं। पुराने जूते कपड़े हैं, पुराने कपड़े तुम लोगों के पास? अबे भाई अमीर लोग हैं, हम नए नए कपड़े पहनते हैं। खुल जा भाई खुल जा। चल तो यार हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग जो हमारी बाइक है उसको थोड़ा सा और सेट करवा लें, तो इसी वजह से हम लोगों ने थोड़ा सा उसको बाइक का जो सामान है वो हम लोगों ने थोड़ा बहुत फिट कर दिया उसके अंदर। रात को जितना टाइम मिला हम लोगों ने सामान फिट कर दिया उसके अंदर। अब थोड़ा बहुत सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो यहाँ सामान उठाना है हम लोगों ने और बाइक में फिट करना है, तो फटाफट से यहाँ सामान पकड़ते हैं हम लोग और यहाँ पर मैं ब्लॉग को एंड भी थोड़ा बहुत करूँगा। सामान उठा के सामान लेके हम घर जाएंगे, वहाँ पर ब्लॉग को एंड करूँगा, तो फटाफट से सामान उठाते हैं अपन लोग। मैंने बताया था कि हमारे को कि दरवाज़ा पड़ा हुआ होगा पीछे, उसके पीछे सामान रखा हुआ होगा, तो अपन लोग चेक करते हैं सामान है भी नहीं, दरवाज़ा तो ये रखा हुआ है। अब इसके पीछे सामान अपन लोग देखते हैं ज़रा, ये रखा हुआ है भाई, रखा हुआ है। दरवाजे को थोड़ा सा उस तरफ कर दो, खींचो निकालो सामान निकाल लो पीछे से, देखना नेट ना गिरा उसके अंदर से। नीचे रखो नीचे रखो, और निकालो और। चलो जी तो यार ये इंडिकेटर, ये साइड जो ग्लास होते हैं ये तो हम लोगों ने निकाल दिए थे क्योंकि एक टूट गया था ये, तो ये भी हम लोगों ने नया लेके आना है। बाकी ये पाना तो सी बड़ा हो, ये साइड के सिलेंसर की पट्टी है ये डालनी है हम लोगों ने अभी, ठीक है। बाकी ये मुठियाँ क्लच वगैरह की और ये एक्सीलेटर वगैरह की, ये बैकलाइट डालनी है। छोटा मोटा एक आम है गाड़ी के अंदर, इसको निपटा देंगे। तो यार यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ब्लॉग को एंड, लाइक एंड सब्सक्राइब तुम लोगों ने कर देना लाजमी और इस तरीके से सपोर्ट दिखा देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, ओके फिर।